भाई साहब, पहले आपका थोड़ा नाम और गांव का पता थोड़ा बोल सकते हैं? मेरा नाम विलासबाल श्रम भोर, भोरवाड़ी एडगांव, तालुका जुन्नर, जिला पुणे। अच्छा, आपने ये कुकुम्बर, काकड़ी बोलते हैं ना? हाँ। कुकुम्बर आपने 50 एकड़ में ग्रो कर रहे हैं? यस, है ना? वो 45 एकड़ का भी प्लॉट है अभी चालू, 6 एकड़ का, 5-6 एकड़ का भी नया प्लांटिंग। तो ये काकड़ी का पहले बीज कहाँ से लिया? ये बीज हम इधर नारंगाव में धंधाई नाम से दुकान है, उधर से लिया था। अच्छा, दुकान तो ठीक है, मगर कंपनी का क्या है, क्या नाम है, कौन सा कंपनी ये सीड बनाता है? एबीसी एग्रो ये कंपनी है ना। हाँ। वो हम गए पहले साल 12 एकड़ में लगाए थे गए साल, तो हमको उसका रिपोर्ट अच्छा आ गया, तो इस साल हमने 50 एकड़ में लगाने का निर्णय। तो मतलब पहली बार जो आपने लगाए एकदम गए साल 12 एकड़ लगाए, तो 12 एकड़ में आपको ये फसल अच्छा लगा? यस, प्रॉफिटेबल भी लगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और अच्छा प्रॉफिट मिला। हाँ। इसलिए आपने 45 एकड़ लगाए थे। हाँ। और फिर 6 एकड़ बढ़ाए। हाँ। इसका मतलब आप ये बीज से, ये कंपनी का जो विश्व एग्रो सीड्स का कंपनी का बीज क्वालिटी है? हाँ, बहुत अच्छा क्वालिटी। वो आपको कौन बताया कि विश्व एग्रो का ही लेना है पहले? तो वो दुकानदार बताया कि एबीसी एग्रो नाम से कंपनी है, तो उसका ग्रीन भी अच्छा आता है, लंबाई भी अच्छा आता है। ये तो कंपनी तो इसका ग्रो हो गया। हाँ। इसका काकड़ी का भी इसको वैरायटी का नाम भी होगा ना, वैरायटी का? हाँ। हाँ, वो सानवी नाम से तो वैरायटी है, तो का सानवी का। हाँ, ये बीज है, बीज है। तो अब एक एकड़ में कितना फसल लेते हैं, यील्ड कितना आता है? एक एकड़ में अच्छा काम करते तो 25-30-35 टन तक बीज आता है किसान, अगर 25 से 35 तक जाता है अच्छा काम। 30 टन एक एकड़ में। हाँ, इसका मतलब एवरेज 25 टन पकड़े तो भी आपका 25 एकड़ में 2,225 टन हो गया। हाँ। 50 एकड़ में तो 4,000 टन होगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। आपका एक एकड़ में उसको अभी क्या मार्केट में रेट है? अभी एक एकड़ में उससे हमको पहले स्टार्टिंग चालू हो गए तो 14-15 रुपए मिल गया था। ये साल में कौन सा महीने में ये मार्केट में पुणे या मुंबई या हैदराबाद मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिलता है, कुछ किस महीने में ये उगाए तो क्या ज्यादा पैसा मिलता है, प्राइस मिलता है? वो तो जून जुलाई में ज्यादा मंडी में मार्केट मिलता है उसको। अभी ठंडी के मौसम में अगर माल कम आ गया, ठंडी ज्यादा गिर गई, तो ठंडी के मौसम में भी अच्छा मिलता है। इसका मतलब नवंबर दिसंबर में फसल आए तो ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन मौसम पे ऊपर है वो सब। बट यील्ड में ये कम आता है, यील्ड में उधर बारिश के टाइम भी अच्छा आता है, लेकिन बारिश के टाइम में फलमासी रहती है ना, वो 2 नंबर का माल ज्यादा निकलता है उस टाइम। इस टाइम में वो दिक्कत नहीं रहती। इसका मतलब जून जुलाई में थोड़ा यील्ड ज्यादा आता है, प्राइस कम मिलता है। अब अगर फसल नवंबर दिसंबर में आई तो अभी टेम्परेचर में क्या होता है, ज्यादा ठंडी के मौसम में ज्यादा दिन चलता है, और टेम्परेचर जब आगे रहता है जून जुलाई में, मई जून में, अप्रैल मई में लागवड, तो उस टाइम प्लांटेशन रहता है, तो उस टाइम का ज्यादा दिन नहीं चलता, हाई टेम्परेचर की वजह से जल्दी सूख जाता है। एक दो साल पहले 12 एकड़ और एक 45 एकड़ और एक 6 एकड़, वो पूरा अनुभव है ये विश्व एग्रो सीड का, ये सानवी के बारे में। yes, ये जो वैरायटी है, ये जो अच्छा फसल आपने उगाए है, इसका क्वालिटी में क्या क्या, इस किस लिए आपको ये लाइक हो रहा है, क्या क्या उसका बढ़िया क्वालिटी है? नहीं, ये वो तो लंबाई अच्छी मिल रही है, उसको ग्रीनरी अच्छा मिल रही है, और खराब मौसम में भी अच्छा रिस्पांस कर रही है। तो इस लंबाई ग्रीनरी ठीक है, खाने में इसका क्या है? खाने में बहुत मीठा और बहुत टेस्ट है, ग्राहक वाटरी है। हाँ, ग्राहक भी ज्यादा 2 रुपए ज्यादा बाजार से मांगते है उधर मंडी में। तो ये तो ठीक है, 25 टन मिल रहा है, 30 टन मिल रहा है, और रेट भी अभी 20-22 मिल रहा है। और ये खर्चा कितना होता है एक एकड़ के लिए? खर्चा 50,000 से 1,00,000। तो इसके बारे में आप किसी को, अगर मैं दूसरा फार्मर आया आपके पास, उन्हें वो काकड़ी जो लेना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, उनको आप क्या रेकमेंड करते हैं, क्या कौन सा कंपनी का कौन सा बीज को रेकमेंड करते हैं? नहीं, आगे अगर हम थोड़ा ये लगा के देखेंगे तो उस पर डिपेंड ही करेंगे कि क्वालिटी देखने के बाद, उसकी लंबाई, खराब मौसम में आने उसका आने का ये, और अच्छा उत्पादन मिल जाता है उधर ये सिचुएशन में, और पैसा भी अच्छा मिल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं भी इतना क्षेत्र में आपने ये सानवी वैरायटी का जो आपने कल्टीवेशन किया है, इसलिए मैं इम्प्रेस होके कर्नाटक से बेंगलुरु से। हाँ। मैं कृषि सचिव का वो
स्पेशल ऑफिसर हूँ, yes, वहाँ से yes, sir. इतना दूर तक आपका प्लॉट को देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में विस्तग्रह का सानवी इतना लोग मान रहे हैं, ले रहे हैं और कॉफी ग्रो कर रहे हैं, हमें भी तो कर्नाटक में क्यों नहीं उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का चाहते हैं। इसलिए हमने सोचा, एक शिरडी आए थे, पुणे आए थे, बारामती आए थे, आपका प्लॉट विजिट करने के लिए हम आए हैं। सो आप हमें बहुत माहिती भी दिया इसके बारे में, कैसा कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, मार्केट क्या है, और कौन सा महीने में ज्यादा प्रोडक्शन आता है, प्राइस कब मिलता है, सब सारा इन्फॉर्मेशन हमें आपने दिया। इसलिए मेरे तरफ से और कर्नाटक सरकार की तरफ से और हमारा मंत्री जी सर भाई बहुत बहुत अभिनंदन और आभार देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।